Hello student, class 8, exercise 5.2, question number 2. ये आपको question दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है? Subtract करना है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर a minus 8 equal to क्या आना चाहिए आपका? 3 आना चाहिए, तो a की value क्या आ रही है आपके पास? हम इसे transfer करेंगे तो plus हो जाएगा, 11 आना चाहिए, it means यहाँ पर 11 two digit तो नहीं आएगी, क्या आएगी सिर्फ? 1 आएगा, तो a की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 1, और ये जो 1 है, हमने यहाँ से क्या लिया होगा? कैरी लिया होगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा, इट मींस यहाँ 5 के प्लेस पर क्या होना चाहिए अब? 4 होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 कैरी लिया, तो 11 हो गया, ये 11 में से 8 माइनस हुआ, तो क्या आ गया आपका? 3 आ गया, यहाँ क्या बचा आपके पास? 4, 4 माइनस बी क्या होना चाहिए आपका? 8. अब आपको यहाँ देखो 4 आपका जो नंबर है बहुत छोटा है और ये जो नंबर है बड़ा है तो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा कैरी लेना होगा तो हमने यहाँ क्या कर लिया 4 के प्लेस पर 14 कर दिया 14 में से b माइनस हुआ तो क्या है आपके पास 8 अब हम b की वैल्यू निकालते हैं तो जब हमने 8 को इस साइड ट्रांसफ़र किया तो ये माइनस हो गया और b क्या हो गया आपका पॉजिटिव तो 14 में से 8 माइनस हुआ तो क्या है आपके पास b की वैल्यू 6 आ गई तो b की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 6 हो गई अब आपने यहाँ पर 14 किया है इट मीन्स यहाँ से क्या लिया होगा 1 कैरी लिया होगा तो यहाँ क्या बचा आपके पास 2 2 माइनस c इक्वल टू क्या होना चाहिए अब ये 1 होना चाहिए इट मीन्स हम c की वैल्यू निकालते हैं c को हमने ट्रांसफ़र किया अदर साइड तो ये नेगेटिव से क्या बन गया पॉजिटिव फिर हमने क्या किया 2 माइनस 1 1 को ट्रांसफ़र किया तो ये पॉजिटिव से क्या हो गया नेगेटिव तो c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई तो आपके पास e की वैल्यू a b एंड c ये सारी वैल्यू आ गई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड 3a इंटू 6 यहाँ पे 2b 8 है ना अब 6 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है या तो 3 टाइम में आएगा या 8 टाइम में आएगा अब हमें चेक कैसे करना है कि इसे 3 टाइम लेना है या 8 टाइम तो यहाँ से हम चेक करते हैं हमने यहाँ पर 3 टाइम लिया फॉर एग्जांपल 6 3 जा क्या हो गया आपका 18 हो गया कैरी क्या बचा 1 6 3 जा 18 एंड 1 18 एंड 1 क्या होगा आपका 19 पर यहाँ पे आपका 19 आ रहा है नहीं तो आपको कितने टाइम लेना होगा अब 8 टाइम तो 6 8 जा 48 कैरी क्या होगा आपके पास 4 ठीक है तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 8 6 8 जा 48 a की वैल्यू 8 हमने लिया तो 48 हो गया कैरी क्या बचा आपके पास 4 6 3 जा 18 एंड 4 क्या हो जाएगा आपके पास 22 यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसमें टेंस प्लस वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए तो हमने यहाँ 3 रख कर यहाँ चेक किया तो वो नहीं आ रहा था क्या आ रहा था आपके पास 19 तो आपने क्या पुट किया अब 8 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4 6 3 जा 18 एंड 4 22 तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 8 एंड b की वैल्यू क्या आ गई 2 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ये है आपका ए बी इंटू 4 इट मीन्स आपको यहाँ पर 4 के टेबल में 8 कितने टाइम आता है 2 टाइम या 7 टाइम है ना तो हमने पहले 2 टाइम यहाँ पुट करेंगे और चेक करेंगे 4 टू जो 8 यहाँ पे 2 आया बी की वैल्यू तो जो नंबर आना चाहिए यहाँ पर 3 के बाद वो भी क्या होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए तो 4 के टेबल में कितने टाइम 32 आएगा 4 के टेबल में 32 आता है तो हमने देखा हाँ कितने टाइम में आ रहा है 8 टाइम में तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8 जैसे हमने यहाँ पे 4 ये देखो 4 2 जा 8 तो b की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 2 4 इंटू a अब यहाँ पे ये b क्या होना चाहिए आपका 32 होना चाहिए तो a की वैल्यू हमने क्या निकाला यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया तो 4 8 जा 32 तो आपको यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आपको फॉर्मूला लगाना है या पुट करना है आपको अपने हिसाब से सोचना है कि क्या नंबर आना चाहिए तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया तो 4 की वैल्यू क्या आनी चाहिए
2 आनी चाहिए, सॉरी b की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, 2 आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, b 2 होना चाहिए, 32। तो 4 के टेबल में कितने टाइम में 32 आएगा, 8 टाइम में, 4 8 जा 32। तो हमने यहाँ पर वही किया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ। हमें कोई भी नंबर लेना है, उसको रिवर्स करना है, वंस को टेंस बनाना है, टेंस को वंस बनाना है, और कितने डिजिट लेना है, 2 डिजिट। तो सबसे पहले हम 10 की बात करते हैं, 10 इंटू, तो 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 के बाद जब हम उसको रिवर्स करेंगे तो 0 1 1 हो जाएगा। 11 11 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही सेम है, यहाँ दोनों क्या है आपके, डिफरेंट हैं। अब हम बात करते हैं 12 12 लिया हमने और उसका ही रिवर्स कर दिया, 12 का रिवर्स क्या हो गया आपका, 21। हमने मल्टीप्लाई करके चेक किया तो क्या आया आपके पास, 252। तो आपको रिवर्स करने पर क्या आना चाहिए, बीच में 5 आना चाहिए, और ये फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल आ गया आपका। तो आपका ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। बुक में पीछे उल्टा करके दिया हुआ है, यहाँ ए की वैल्यू 2 दी है और बी की वैल्यू 1 दी हुई है। आपका आंसर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि जब हम यहाँ 21 रखेंगे, उसका रिवर्स करेंगे तो 12 होगा, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई सेम आएगा, तो आपका आंसर ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम ए बी, फिर से हमें क्या लेना है, नंबर लेना है और उसका रिवर्स करना है और मल्टीप्लाई करके चेक करते जाना। तो हमने यहाँ 12 तक चेक कर लिया था, अब हम 13 का चेक करते हैं, 13 उसका रिवर्स किया 31, तो क्या आया, 403। आपके पास क्या नंबर होना चाहिए, यहाँ पर 7 होना चाहिए सेंटर में, और ये जो नंबर है इन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। अब हमने क्या चेक किया, 14 14, उसका रिवर्स कर दिया 41, तो क्या आया आपके पास, 574। तो बीच में आपका 7 आ रहा है और फर्स्ट एंड लास्ट नंबर में ये जो नंबर है 1 ग्रेटर है इससे, इट मीन्स आपका आंसर ये होगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, एंड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। इसी तरह इसका आंसर भी हम चेंज कर सकते हैं, बी की वैल्यू हो सकती है आपकी 1 और ए की वैल्यू हो सकती है 4, क्योंकि जब हम 41 और उसका रिवर्स 14 करेंगे तब भी मल्टीप्लाई यही आएगा। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर ए एंड बी की वैल्यू एक्सचेंज हो सकती है 4 एंड 1 में, यहाँ ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 1 भी, यहाँ ए की वैल्यू 1 एंड 4 दोनों ही हो सकती हैं, क्योंकि रिवर्स करने पर नंबर यही आना है, 41 इंटू 14 मल्टीप्लाई सेम आएगा। तो ये 5.2